हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज को हम प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। महाराज को हम प्रणाम करती हूँ। मास्टर साहब, ये आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं क्या? भाग! ये आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं? महाराज, इसकी आदत कुछ खराब है। खड़े हो जाओ। ये किस आपके स्कूल में ऐसा ही ड्रेस चलता है? नहीं महाराज, तो ऐसा तो ड्रेस नहीं चलता है, लेकिन ये जबरदस्ती पहनकर यहाँ पर आता है। आप अध्यापक हैं, ये आपसे ऊंचा है कि क्या है? महाराज, इसका नाम काट के भगा दो और बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। अगर ये ऐसी शक्ल बना के आया है तो मैं अपने बेटे का दाखिला कैसे करवाऊंगा? सत्य मेरा बेटा इसके साथ रहेगा, इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। सही है महाराज। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। महाराज, हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात? महाराज, और है महाराज जी, और कैसे आना हुआ हे महाराज जी? और हे महाराज जी, और कैसे आना हुआ? बोलो क्या काम है, क्यों यहाँ आए हो? कौन सा काम है? और महाराज जी, जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। हाँ महाराज। मास्टर साहब। जी महाराज, मैं आपके पास आया हूँ एक उम्मीद लेकर। क्या उम्मीद है महाराज? तो सुनिए, गुरुदेव जी पास आया हूँ क्यों? सुनिए, गुरुदेव जी पास आया हूँ क्यों? आपसे पड़ गया मेरा कुछ काम है। अपने टकसार में इसे भर्ती करो, बस यही काम है, बस यही काम है। गुरुदेव जी। हाँ महाराज। ये मेरा लड़का जिसका नाम प्रेम सिंह है। जी महाराज। अभी तक विद्या से वंचित है। हाँ महाराज। तो मैं ये सोचता हूँ इसका दाखिला आपके स्कूल में हो जाए तो इसे विद्या मिल जाएगी पूर्ण रूप से, और इसी उम्मीद में मैं आपके पास आया हूँ। बहुत अच्छी बात है महाराज, मैं इस बच्चे का दाखिला अपने कॉलेज में करता हूँ। अच्छी बात है, हमें आपसे यही उम्मीद है। और मास्टर साहब। जी महाराज। इसको ऐसी शिक्षा देना कि एक दिन ये नाम रोशन करे। महाराज, आप उसकी चिंता ना करें, मैं इस बच्चे को ऐसी शिक्षा दूंगा कि एक दिन ये आपका नाम अवश्य रोशन करेगा। अच्छी बात है। और बेटा, आप जो है ये मत सोचना कि हम यहाँ के राजकुमार हैं। जैसे हर बच्चे हैं विद्या ले रहे हैं, उसी तरह से आप भी विद्या ग्रहण करना। ठीक है पिताश्री, ऐसा ही होगा। और एक बात और, यहाँ पर रहकर मेरे नाम पर कभी कलंक नहीं लगने देना। ठीक है, ठीक है महाराज। मैं आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है महाराज, प्रणाम। आप इनका नाम लिख लीजिए। ठीक है महाराज। तो हमारे पास बैठे हो अच्छा भैया? हाँ, सही से बैठ। हमारे पास बैठा है। बेटा। गुरुजी, क्या बात है? आपका क्या नाम है? गुरुजी, मेरा नाम प्रेम सिंह है। ठीक है बेटा, आपका एडमिशन हो गया है, और बैठ जाओ इधर। देखिए बच्चों। जी गुरुजी। आज के लिए इतना काफी है। बच्चों। जी मैडम। देखिए, सारे बच्चे को मैं छुट्टी दे रही हूँ,
और प्रेम तुम्हारी भी छुट्टी नहीं है, इसलिए तुम्हारा नया नया डिविजन हुआ है। हमारी छुट्टी है कि नहीं? सबकी छुट्टी है। सबकी छुट्टी है, हमारे नहीं है। चल चला ठीक जा रहे हैं। जाइए। क्या बताऊं, कॉलेज में जब से मैं प्रेम को देखी है तब से मैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रेम प्रेम, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं बैठो, ये स्कूल है, बैठने के लिए तो है, बैठ जाओ। नहीं प्रेम, मैं आपके पास बैठूंगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जगह पड़ी, आकर बैठ जाओ इधर। ठीक है प्रेम, ऐसी बात है तो मैं बैठती हूँ। बैठिए। प्रेम क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ ठीक है, पढ़िए। प्रेम नीता, अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अरे अपनी बुक में पढ़ो ना कुछ। मैं भी पढ़ रही हूँ। क्या कर रही हो, ये स्कूल है। ठीक प्रेम पढ़िए। क्या बदतमीजी, अरे सही से बैठो। अरे मैं सही से बैठी हूँ प्रेम। नीता, और नहीं अच्छी नीता ये आदत तुम्हारी। हमारी? हाँ। नहीं अच्छी नीता ये आदत तुम्हारी, और न भाती है हमको ये शोहबत तुम्हारी। अब मेरी अच्छी अर बगल से मेरी दूर बैठो कहीं पर, बगल से मेरी दूर बैठो कहीं पर, और न भाती है हमको ये शोहबत तुम्हारी। नेता ये कॉलेज है, यहां पर पढ़ाई होती है। अरे क्या बदतमीजी, क्या तुम्हारे मन में बात आ रही है, है? और कहो भाई क्या ये शरारत हमारी। अरे पागल हो गए क्या तुम? मैं पागल हूँ। और कहो भाई क्या ये शरारत हमारी। अच्छा तेरी शरारत। अरे हट, हमारी और बगल में ये बैठी क्या हकीकत हमारी। अरे हट, मेरे राज। और क्या बुराई करूं नीता जी आपकी, क्या बुराई करूं। हर क्या बुराई करूं नेता जी आपकी, मैं हूं नादान कुछ भी नहीं जानता। सामने से मेरे तुम अर जाओ चली, हाथ को जोड़ करके क्षमा मांगता। ये क्या बदतमीजी है नीता। प्रेम कैसी बातें आप कर रहे हैं, मान जाओ मेरे बाबू, मेरे राजा। बाबू नेता अपनी जुबान को काबू रखो वरना समझ लो। मैं हाँ, और यकीन कीज मेरे दिलबर, और यकीन कीज मेरे दिलबर, और तुम्ही से प्यारी करी थी प्यार। प्यार करते हैं ना मुझसे? बोल। अकीन कीजिए मेरे दिलबरी, तुम ही से प्यार करती हूँ।
चरणों की दासी, तुम्हारे चरणों की दासी यही इतिहास करती हूँ। सुन मेरी बात को, अरे तू है मंत्री सुता, अरे लगती मेरी बहन तू है मंत्री सुता। हर तू है मंत्री सुता लगती मेरी बहन, बात कहता उस पे जरा ध्यान दे, लाख कोशिश करे अर चाहे तू यहाँ, तेरे फंदे में मैं आ सकता नहीं। मरो मेरे राज्य। स्टूपिड, बदतमीजी की कोई हद होती है? अरे मैंने तो तुझे अपनी बहन का दर्जा दिया, लेकिन तू इश्क में इतना अंधी हो गई है कि तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तुम नहीं मानोगे? नहीं नहीं मानोगी ना? बिल्कुल नहीं, मुझे मनाना आता है। क्या कर लोगी मेरा तुम? क्या करूं? हाँ अभी मैं देखती हूँ। गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा निकलेगा। गुरुजी, जो भी शरारत की है नीतानी की है गुरुजी। वो तो मैं देख रहा हूँ कौन शरारत कर रहा था। और नहीं खता मैंने किया, अरे कीजे इतनी ना। मैंने किया कीजे इत्मीनान, और नीता ने ही गुरुजी, नीता ने ही खुद मुझे देखो किया हैरान। नहीं मैं आपके पैर भरता हूँ। लड़की को ऐसे सताता है क्यों? इसकी इज्जत पे धब्बा और लगाया है क्यों? इसकी इज्जत पे धब्बा लगाया है क्यों? बोल बोल कमीने बोल। प्रेमचंद, मेरे कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं है, और मैं मुझे इंसाफ चाहिए गुरुजी, मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। ठीक है नीता, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, साइड में आ जाओ। प्रेम, आज से मैं तुम्हारा नाम। और हाँ, जो गुस्ताखी तुमने किया है यह गुस्ताखी मैं चलकर महाराज से। नहीं गुरुजी, पिताजी से मत कुछ कहना, और मैं आपके पैर पड़ता हूँ गुरुजी। पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ महाराज के पास। हाँ
क्या भगवान, अब क्या होगा अगर गुरुजी पिता से मेरी शिकायत कर देंगे तो पिताजी के दिल में जो अरमान थे वो सब टूट कर बिखर जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ धीरे धीरे मैलों की तरफ। जो होगा तो देखा जाएगा। मंत्री जी, मैंने प्रेम सिंह का नाम स्कूल में लिखवा दिया है। अब वो अच्छी, बहुत अच्छी शिक्षा पाता होगा और जब पढ़ लिख जाएगा तो इसे हमारे राज्य का नाम रोशन करेगा, क्योंकि बिना विद्या के हर एक इंसान अधूरा है। सत्य है सम्राट, ये तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है। महाराज को प्रणाम। गुरुदेव, क्या बात है महाराज? हाँ, आज कुछ ऐसी बात है कि मैं बताने में कुछ संकोच कर रहा हूं। बात क्या है महाराज? जिस लड़के को आपने मेरे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, हाँ, और दाखिला करवाया था, हाँ, वो लड़का पढ़ने के योग्य नहीं है। क्या? हाँ महाराज। कहना आप क्या चाहते हैं? क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया है कि मैं बताने में शर्मिंदा हूँ। अरे बताइए गुरुदेव, कौन सा ऐसा काम किया है? महाराज, उसने एक नीता नाम की लड़की के साथ बहुत गलत काम किया। हाँ महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ सम्राट। हाँ, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। इजाजत है, बोलो। महाराज ये हाल सुन हुआ हसीना चाक, महाराज ये बात सुन हुआ हसीना चाक, जड़ से मेरी कट गई यहाँ हमारी ना, आपका बेटा मेरी बेटी के साथ ऐसा कहा गुरुदेव, झूठ नहीं बोलेंगे। मंत्री जी, साफ होगा अगर उसने ऐसा किया है तो उसे सजा दी जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ इंसाफ होगा। देर करिए न जरा महाराज जी, देर करिए न कुछ भी, देर करिए न कुछ भी महाराज जी, भेज फौरन सिपाही बुलाओ मुझे, और चाहिए मुझको ये आज इंसाफ भी। चाहिए साफ मिन कार महाराज जी, और बतला ये और बतलाइए। सम्राट, अगर आज मुझे ये इंसाफ नहीं मिलेगा, फैसला नहीं होगा, तो मैं सबसे से अपनी नहीं अवश्य कर लूंगा। सम्राट नहीं, महामंत्री आप साथ इंसाफ होगा। दरबारी जी महाराज, जाओ सेना नायक वीर सिंह को इसी वक्त दरबार में पेश करो। आप जाएं, मैं उसे सजा दूंगा। ठीक है महाराज। आए मेरे दानवीर सम्राट, आज अचानक सीमा सरहद से इस वीर सिंह, कहिए राजानंद, जो मेरा राजकुमार प्रेम सिंह है,
जाओ उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर के आओ। ये मेरा आदेश है। गिरफ्तार करके? हाँ, गिरफ्तार करके लेकर आओ। आप ये क्या करें महाराज, वो इस रियासत का राजकुमार है और राजकुमार प्रेम सिंह ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है जो कि आप विद्यालय प्रांगण से उसे गिरफ्तार करके बुलवा रहे हैं? ये मेरा आदेश है, जो मैंने आपसे कहा वो करो, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है कि मैं क्या बताऊं, उसने शर्म से मेरा सर झुका दिया है। आपका हुक्म सराखों पर राजन, आपका हुक्म सराखों पर। दरबारी तत्काल हमारे सिपाहियों को राज दरबार में उपस्थित करो। सिपाही महाराज का हुक्म है, अभी और इसी वक्त राजकुमार प्रेम सिंह को विद्यालय से गिरफ्तार करके राज दरबार लाया जाए। राजकुमार प्रेम सिंह को? जी हाँ। विद्यालय से गिरफ्तार करके लाया जाए? जी हाँ। क्या ये बात मैं महाराज से पूछ सकता हूँ? गुस्ताखी माफ हो सम्राट, क्या ये सिपाही जान सकता है कि सेनापति वीर सिंह को हुक्म दिया है कि प्रेम सिंह को गिरफ्तार करके लाया जाए? सही आपने सुना, ये मेरा आदेश है कि राजकुमार प्रेम सिंह को विद्यालय से गिरफ्तार करके मेरे पास लाया जाए। देखिए, उस हरामजादे ने इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं क्या कहूं। हमारे मंत्री जी की लड़की जो नीता है उसके साथ मैं क्या कहूं, आप समझदार हैं, समझ जाइए। ठीक है महाराज, आपके हर आदेश का पालन होगा। हमें आपसे यही उम्मीद है।